पढ़ाई फॉर युवा हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आप सब देख रहे हैं आपका अपना हिंदी यूट्यूब चैनल पढ़ाई फॉर युवा। डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम अलग अलग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? सुधीर भार्गव जो हैं वो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बनी हैं? स्मृति मंधाना जो कि हमारी भारतीय टीम की उप कप्तान भी हैं, ये जो हैं वो ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी हैं। और इनसे पहले जो है 2007 के अंदर तेज गेंदबाज थे, उनका नाम था झूलन गोस्वामी, उनको ये अवार्ड मिला था। और इसके अलावा जो है मंधाना को वुमेन्स ऑफ द वन डे प्लेयर भी इनको चुना गया है, स्मृति मंधाना को। थर्ड क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले वोटर कौन हैं? स्वतंत्र भारत के पहले वोटर हैं श्याम शरण नेगी, ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, 102 साल के हैं और अब की बार जो है ये 45 टाइम्स यानी कि 45वीं बार जो है ये वोटिंग करेंगे और हिमाचल प्रदेश के कल्पा के रहने वाले हैं एक्चुअल में ये। आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, इस वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर में किस नदी पर देश का सबसे ऊँचा पुल बनकर तैयार हो जाएगा? ये है चिनाब नदी के ऊपर बनकर तैयार हो जाएगा। और ये जो है इस पुल की जो हाइट है वो कुतुब मीनार से 5 गुना ज़्यादा ऊंचा बनेगा ये, और 359 मीटर है यानी कि 359 मीटर इसकी हाइट है इस पुल की। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश पर्यावरण ट्रैफिक समस्या से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ट्रांसपोर्ट को फ्री करने जा रहा है? ये है लेक्जमबर्ग है, और ये जो है पश्चिम यूरोप का एक छोटा सा देश है। लेक्जमबर्ग जो है वो पश्चिम यूरोप का एक छोटा सा देश है, इसकी जनसंख्या जो है वो लगभग 5 लाख है और यह जो है फ्रांस जर्मनी और बेल्जियम से चारों तरफ से घिरा हुआ है। आइए देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, देश का कौन सा ऐसा राज्य है जहां 1 जनवरी 2019 से यानी कि इसी साल से सरकारी अस्पतालों में फ्री ब्लड की सुविधा दी जाएगी? और ऐसा स्टेट है पंजाब। पंजाब के अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर सरकारी अस्पतालों के अंदर इसी साल से जो है ब्लड की सुविधा जो है वो फ्री दी जाएगी 24 घंटे के लिए, और इसके अलावा जो ब्लड से रिलेटेड जो कंपोनेंट हैं ब्लड कंपोनेंट्स वो भी फ्री दिए जाएंगे। अतुल गोयल कौन से बैंक के MD CEO नियुक्त हुए हैं? ये हैं यूको बैंक के CMD नियुक्त हुए हैं ये। एट क्वेश्चन है, चीन के राष्ट्रपति कौन हैं? शी जिनपिंग जो है वो चीन के राष्ट्रपति हैं। बैडमिंटन में साइना नेहवाल कमाई के मामले में विश्व में कौन से नंबर पर हैं? 5वें नंबर पे हैं, 5th रैंक है इनका विश्व में कमाई के मामले में। 10th क्वेश्चन है, विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का 21वां खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? पंकज अडवाणी ने जीता है ये खिताब 21वां। किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया? अमिताभ घोष को जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन विश्व चैंपियन किस खिलाड़ी को चुना गया? नोवाक जोकोविच और सिमोना हेल्प को जो है वो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप का खिलाड़ी चुना गया है। BSNL के ग्राहकों को किस तारीख से ई बिल मिलेगा? 1 जनवरी 2019 से यानी कि इसी साल से ये स्टार्ट हो गया है BSNL के कस्टमर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये किसे चुना गया है? N. रवि को जो है वो नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को जो है वो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। और अब देखते हैं जो कल 5 सवाल पूछे गए थे उनके जवाब, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो था वो कल पूछा गया था, किस देश ने हाल ही में भारतीय मूल के लोगों में अंग प्रत्यारोपण की समस्याओं से निपटने हेतु नया कानून बनाया है? और ऐसा देश है ब्रिटेन, ब्रिटेन के अंदर ये कानून बनाया गया है। सेकंड क्वेश्चन था, हाल ही में मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी सोलर योजना कहाँ पर शुरू की गई है? दिल्ली के अंदर। थर्ड है, नासा ने सूर्य के अध्ययन हेतु कौन सा मिशन लॉन्च किया? नासा ने पार्कर सोलर प्रोब जो है उन्होंने लॉन्च किया था। फोर्थ क्वेश्चन है,
किस देश ने सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इंडिया ने, यानी कि भारत में जो है इसका सफल परीक्षण किया है इंटरसेप्टर मिसाइल का। और फिफ्थ क्वेश्चन जो कल पूछा गया था उसका राइट आंसर है, सार्वजनिक प्रसारण दिवस सालाना किस तारीख को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 12 नवंबर को। तो अंत में मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।